आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे, चेहरे पर सारी मुस्कुराहट, क्या कहना चाहेंगे सर, नाम के आगे डॉक्टर लगाया से? नहीं, डॉक्टर लगाना एक अलग बात है और डॉक्टर की उपाधि मिल जाना अलग बात है, ठीक है। हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में शुरू से ही रहे हैं और हमारे परिवार के काफ़ी लोग डॉक्टर, एक्चुअल डॉक्टर भी हैं। ये तो इन्होंने सम्मान से दिया है, चूँकि इस व्यवसाय में हम लोग कार्यरत हैं काफ़ी वर्षों से हैं और हमारी ये तीसरी जनरेशन हम लोग इस फार्मा में काम कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इन लोगों ने, उसके हिसाब से इन लोगों ने हमको सिलेक्ट किया और दिया, उसके लिए हम आभारी हैं। सर, डॉक्टर को बात मिलने पे किसे क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे, जो आज से आप के नाम का गेट डॉक्टर बात मिली है, आज से आप डॉक्टर पुरुषोत्तम केजरीवाल के नाम से जाने जाएंगे, तो क्या फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इस व्यवसाय में हम लोग हैं, इस व्यवसाय में हैं और डॉक्टर ही डॉक्टर के आगे पीछे जाना रहता है, इसलिए हमको कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, खुशी ज़रूर होती है भाई हमारे पीछे भी एक डॉक्टर लग गया या आगे लग गया। सर, जब आपको कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा इस स्टेज पर, तब आपके माइंड में क्या आया, क्या रिएक्शन था आपका? जब आपको ये कहा गया कि आपको डॉक्टर से नवाजा जाएगा स्टेज के ऊपर, बराबर आपको उपाधि दी जाएगी डॉक्टर की, एक खुशी आपके मन में क्या आया? एक बड़ी खुशी होती है कि भाई चलो, हमने इस व्यवसाय में इतने वर्षों तक हमने हमने पूरी ज़िंदगी इसी में दिया है और उसी के लिए हमको ये उपाधि दी जा रही है, तो उससे बड़ी और खुशी क्या होगी। अब जिम्मेदारी और बढ़ चुकी है आपकी, बढ़ गई जो कार्य कर रहे थे उसके लिए और उसको अच्छा से करना अपने एक जिम्मेदारी समझेंगे। सेवा सम्मान ने जो खूबसूरत इवेंट किया, इस कार्यक्रम के आयोजक ऑर्गेनाइजर के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों का था कि भाई ये बाल गंगाधर जो अवार्ड का जो इन लोगों ने किया और ये काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं और उनका जो जीवन रहा है बाल गंगाधर तिलक का, उन्होंने ज़िंदगी भर सेवा का ही काम किया है, तो उसमें अपने को जो भी हम भाग मतलब उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई उसमें हम भी अपना जो भी बहुमूल्य समय है दे करके हम उसको अच्छे से अच्छा काम करके बना करके दें। बहुत ही नेक और सज्जन दिल आदमी है और मैं तो दो बार उनसे मिला, बहुत ज़्यादा नहीं मिला हूँ, लेकिन उन्होंने कई बार फोन से बातचीत हुई है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही नेक दिल इंसान है। इस तरह के प्रोग्राम में आप अक्सर आप भी आना चाहेंगे? जरूर जरूर आना चाहेंगे। हम लोग ऐसे इवेंट मतलब नॉट दैट इस टाइप के धार्मिक कार्यक्रम हमारे साल में दो चार होते ही रहते हैं ऑलवेज, तो हम हमेशा उस कार्य करते रहते हैं और भी कई छोटे 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 कार्यक्रम हैं जो हमारे चलते रहते हैं। हाँ, हाँ सब आगे क्या क्या करना है। अच्छा, अभी जैसे हम लोग, जैसे इन्होंने बताया जैसे ब्लाइंड हॉस्पिटल्स के, तो उसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं हॉस्पिटल्स में, चैरिटी करते हैं, कुछ पेशेंट को फ्री दिखलवा देते हैं, पैसे हम अपनी तरफ से उनको लगा करके अपने तरफ से जो जो चीज़ें होती वो करते हैं, कुछ जहाँ पर जिसकी मदद करनी है कि कुछ अपंग लोग हैं जिसका जिसको पैसे की ज़रूरत है, जो पैसे की वजह से कुछ काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनको हम लोग अपने तरफ से चैरिटेबल जो होता है वो कर देते हैं, पर्सनल करते हैं। हम दवा के क्षेत्र में हैं और हमारे दादाजी भी डॉक्टर थे, वैद्य, फादर भी वैद्य थे, हमारे छोटे भाई लोग कई डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग जगह पोस्टेड है, उनकी वाइफ पोस्टेड है डॉक्टर्स है, मेरे भतीजे लोग डॉक्टर्स हैं एम्स में दिल्ली में, तो इस क्षेत्र में, और हम दवा बनाते हैं, मेरे छोटे भाइयों की भी दवा की फैक्ट्री है और हम लोग एक्सपोर्ट का दवा बना करके एक्सपोर्ट करते हैं, हमारा लोकल सेल कम है, लोकल हम बिजनेस कम करते हैं लेकिन हमारा एक्सपोर्ट का ही काम ज़्यादा है दवा। फैक्ट्री आपकी महाराष्ट्र में, मुंबई में? नहीं,
रहते मुंबई में है, फैक्ट्री बॉम्बे और मतलब गुजरात बॉर्डर पर वापी के पास में है। जन्मभूमि हमारी बिहार है, बिहार में भागलपुर से, हाँ भागलपुर से बिलोंग्स करते हैं। 20 साल भागलपुर में रहे, 20 साल कलकत्ते में रहे, और उसके बाद जो वर्ष बचे 90 ऑनवर्ड्स वो मैं बम्बई में। बिहार में अभी भी 10 दिन, कल ही आया हूँ शाम को बिहार से, वहाँ हमारी देवी भागवत की कथा थी, उसके लिए मैं 10 दिन वहीं पर था। 13 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक मैं बिहार में था, पटना सिटी में, वहाँ भागवत कथा का आयोजन करवाए थे हम लोग ने ही। और फिर कल शाम की फ्लाइट पकड़ के 7 बजे मैं आया हूँ, उसके बाद लोगों को ये मैसेज दिया कि भाई ये प्रोग्राम है। धन्यवाद। हाल के उनके विशेष सहयोग से जो विश्व भ्रष्टाचार निरोध जन परिषद, उसके डॉक्टर विजय बजाज और उनकी धर्मपत्नी ज्योति बजाज, जिन्होंने मिलकर के आज लोकमान बाल गंगाधर तिलक के इस कार्यक्रम को यहाँ सफल बनाया, ये बहुत पुण्य श्लोक धरती है, प्रेरणा की धरती महाराष्ट्र की रही है। और इस धरती ने जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया, बाल गंगाधर तिलक जो कहते थे कि हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। मैं आज से कुछ दिन पहले 1 अगस्त को उनके पुण्यतिथि पर भी यहाँ उनकी समाधि पर माल्यार्पण के लिए गया था, उस आयोजनकर्ताओं ने मुझे बुलाया था। मुझे बहुत कष्ट हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उनका राजकीय सम्मान समारोह आज तक महाराष्ट्र में नहीं मनाया जा रहा है, न तो किसी राज्य में मनाया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके तैलचित्र को पार्लियामेंट में लगा करके, उन्होंने कुछ वर्षों पहले, पिछले 3-4 वर्षों से, और मैं देख रहा हूँ कि हर साल हम लोग राजकीय सम्मान समारोह भारत सरकार के द्वारा मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र जैसी जगह जहाँ से उनकी जन्म, जिस रत्नागिरी से जहाँ से पूरा देश को संदेश दिया और परकीय आंदोलन को, अंग्रेजों को जहाँ दांत खट्टे करने का काम किया, आज उनकी समाधि भी किस प्रकार से वहाँ लगी, और समाधि वहाँ आज भी जितना सुसज्जित होना चाहिए, जितना पुष्पित पल्लवित होना चाहिए, वो नहीं है, यह देखकर मुझे अपार कष्ट हुआ। मैंने उस दिन यह भी देखा कि विज्ञापन में बड़े बड़े छपे थे, लेकिन कहीं भी उस दिन के समाचार पत्र में पुण्यतिथि उनकी है और उनका पुण्यतिथि का कोई छपा नहीं था, तो उनकी जन्मतिथि और पुण्यतिथि का कहीं भी, ऐसे राष्ट्रभक्त जिन्होंने, जिनसे गांधी जी भी, पूज्य बापू भी उनसे प्रेरित होते थे, तो निश्चित रूप से लोकमान बाल गंगाधर तिलक जैसे महान विभूति को आज उनके हमें गर्व है और गौरवान्वित है, आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं लोग।